कर रहे हो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम सीबीएसई का बेसिक मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है जो ऑफिशियली सीबीएसई ने रिलीज करा था हम उसे डिस्कस कर रहे हैं क्लास टेंथ के लिए प्रीवियस वीडियो में हम अपनी अभी तक क्या क्या कर चुके हैं सेक्शन ए हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया है सेक्शन बी के ट्वेंटी क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आपने वो सॉल्यूशंस नहीं है तो आप जाके हमारे चैनल पर या फिर इस प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन बी में आपके पास ट्वेंटी क्वेश्चन तक क्वेश्चन होते हैं तो ट्वेंटी तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो इस वीडियो में हम थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको ये पसंद आ रही है सो प्लीज ऑल्सो लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स तो ये चलते हैं अब हम जो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर क्वेश्चन वो देखते हैं क्या है वट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इन ईयर डिग्री एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ दियर एजेस इन ईयर फिफ्टी डिग्री तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा कि इसमें आपकी जो है दो इक्वेशन बनेगी दो लीनियर इक्वेशन एक देख से एलिमिनेशन मैथड से substitution method से उसे सॉल्व करना होगा तो हम इक्वेशन बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल से हमने बोल दिया कि फादर की एज को हम क्या मान रहे हैं एफ मान लेते हैं एंड सन की एज को हम एस मान लेते हैं तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड द सम ऑफ ऑफ एज सन इज 65 डिग्री तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये बन जाएगी एंड डिफरेंस ऑफ देर एजेस उन दोनों की एज का जो फादर और सन की एज का डिफरेंस है वो आपको किसके इक्वल दिया है ट्वाइस द डिफ्रेंसर एज इज फिफ्टी डिग्री इन दोनों की एज का डिफरेंस आपको क्या दिया है फिफ्टी डिग्री तो क्या मैं इस टू को उस साइड ले जाऊं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी एफ माइनस एस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एक इक्वेशन आपकी ये थी एफ प्लस एस इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव अब क्या हम इसमें से एस को इलिमिनेट कर सकते हैं ये माइनस एस प्लस एस आपके पास क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड फादर एंड फादर क्या हो जाएगा टू एफ इज इक्वल टू ये भी 65 and 25, आपके पास क्या जाएगा? 90. तो इस अकॉर्डिंग आपके पास आ गया टू ऑफ फादर एज इज इक्वल टू नाइनटी फादर की एज कितनी आ जाएगी नाइनटी बाय टू दैट इज टू डिवाइडेड बाय नाइनटी इज योर फोर्टी फाइव तो फादर की एज आपके पास क्या आ गई फोर्टी फाइव ईयर्स अकॉर्डिंग तो आपकी फादर की एज क्या आ गई फोर्टी फाइव तो आपका फाइनल आंसर इन ऑप्शन में से क्या हो जाएगा बी दैट इज फोर्टी फाइव इस बहुत इजी क्वेश्चन था सिंपल आपने दो एक बनानी थी देन उसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करना था तो आई होप कि आपकी इक्वेशन समझ आ गया होगा अब हम अपना थर्टी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा मल्टीप्लाइड थीटा का होल स्क्र माइनस साइन थीटा सेकेंड थीटा का होल स्क्र तो किसका क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेकिन बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है टेन थीटा इंटू थीटा का स्क्वेयर माइनस साइन इंटू सिकेंड थीटा का स्क्वेयर तो सबसे पहले आप क्या करिए जो जो आपके पास टैन को इन सबको आप साइन की फॉर्म में लिख दीजिए तो का स्क्वेयर है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बायर थीटा एंड आपको पता है cosecant किसका इन्वर्स होता है cosecant आपके पास होता है साइन का इन्वर्स तो साइन थीटा आ जाएगा ये Theta, आपके पास ऑलरेडी साइन थीटा में किसका इनवर्स होता है कि इन्वर्स होता है तो अब यहाँ से देखिए जो जो कैंसिल आउट हो रहा है यहां साइंस थीटा से साइंस्योर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा अब आपके पास क्या बचेगा वन अपॉन कॉस केयर थीटा माइनस साइंस थीटा अपॉन कॉस थीटा अब नीचे कॉस्केयर कॉस्केयर कॉमन है तो आप इसका एल्सियम ले लीजिए एल्सियम क्या आएगा कॉस्केयर थीटा ऊपर बचा है वन माइनस साइंस केयर थीटा अब ये देखते ही आपके माइंड में क्या करनी चाहिए एक आइडेंटिटी स्ट्राइक करनी चाहिए हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है साइंस केयर थीटा प्लस कॉस्केयर थीटा इज इक्वल टू वन साइंस केयर थीटा प्लस कॉस्केयर थीटा इज इक्वल टू वन ट्रिक्नोम ने हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी है ये तीनों आइडेंटिटीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर हम इस आइडेंटिटी को रीअरेंज करके लिखते हैं हमें 1 -sin2 चाहिए तो साइंस को आप में ले यही यूज करना है अपने क्वेश्चन में वन माइनस साइंस थीटर को क्या हम थीटा लिख सकते हैं येस बिकॉज अभी हमने निकाली है इसकी वैल्यू तो थीटा डिवाइडेड बाय कॉस्टर थीटा अब दोनों ऊपर नीचे सेम है तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे आंसर आपके पास क्या बन जाएगा वन आंसर आपके पास क्या बच जाएगा आपका वन स्क्यर माइनस साइन थीट इंटू सेकेंड का स्क्वेयर का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा वन तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इजी क्वेश्चन था बट अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी नहीं पता तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आइडेंटिटीज जो है आपकी तीन ट्रिक्नो के सारे बेसिक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन में कभी कभी आपके दो तीन फॉर्मुलस लग रहे होते हैं तो अगर आपको सारे लर्न है तो ही आप कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी थर्ड क्वेश्चन आपके पास है द पेरीमीस ऑफ टू सिमिलर आर सेंटीमीटर एंड थर्टी नाइन सेंटीमीटर तो आपको उसके एरिया की रेशन निकालनी है बहुत सिंपल सिमिलैरिटी का आपका ट्राइंगल्स वाला जो पार्ट है उसका क्वेश्चन है आपको पता है कि ए वन अपॉन ए टू अगर दो ट्राइंगल्स है उनके एरिया की रेशियो आपके किसके इक्वल होती है पी वन अपॉन पी टू का स्क्वेयर एरिया की रेशियो किसके इक्वल होती है आपके के के इक्वल हमें दिया ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर सेकेंड आपको दिया है थर्टी नाइन सेंटीमीटर एंड इन दोनों का आपको क्या करना है स्क्वेयर कट करो इसे दोनों थर्टीन के टेबल में आ रहे हैं थर्टीन टू जो ट्वेंटी सिक्स थ्री से थर्टी नाइन टू बाई थ्री का स्क्वेर टू का स्क्र एस फोर थ्री का स्क्र एस नाइन ये आपकी क्या आ गई फोर रेशियो नाइन एरिया रेशियो आ गई क्या आ गई फोर रेशियो Nine. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिया है फर्स्ट में नहीं है सेकंड में नहीं है थर्ड में नहीं है आपका कौन सा डी ऑप्शन दो व्हीकल्स आपके पास कार्स है एंड मोटरसाइकिल्स हैं एक पार्किंग एरिया में आपके दो तरह के व्हीकल्स खड़े हैं टोटल कितने हैं ट्वेंटी तो कार प्लस मोटरसाइकिल आपके पास कितने हो जाएंगे ट्वेंटी If there are 56 wheels, तो आपके पास ट्वेंटी है व्हील्स कितने है? कितने 56. अब आपको पता है कि एक कार में कितने व्हील्स होते हैं एक कार में आपके पास चार व्हील्स होते हैं एंड एक मोटरसाइकिल में आपके पास टू व्हील्स होते हैं तो इन दोनों की व्हील्स मिला के टोटल कितने हैं आपके पास फिफ्टी सिक्स तो क्या हम इससे भी एक बना सकते हैं ये yes. तो आपके पास क्या आ जाएगी क्वेश्चन इसकी फोर सी प्लस टू एम क्योंकि कार के चार व्हील्स है मोटरसाइकिल के टू व्हील्स हैं दोनों के मिला के आपको व्हील्स कितने दिए हैं 56 ओके okay, तो बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना है That how many cars are there? तो हम इसे पे 2m है तो क्या मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यस yes, हम कर सकते हैं तो इस इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बन जाएगी 2c सी प्लस टू एम इज इक्वल योर

हो जाएगा आंसर ए आपका इसका फाइनल करेक्ट आंसर होगा लीला क्वेश्चन भी बहुत था अगर आपने को करने के मेथ, कोई भी एक मेथड अगर आपने अच्छे से कर है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते देखते हैं है? आपका मैन एक आदमी है वो यहाँ खड़ा है अब पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए जो सबसे टॉप की तरफ आपके पास होती है नॉर्थ उसके अपोजिट होती है साउथ एंड ये आपके पास होती है वेस्ट एंड ये होती है आपके पास ईस्ट क्या कह रहा है कि मैन जो है आपका 15 मीटर कहाँ गया है 15 मीटर वेस्ट की साइड गया है फिफ्टीन मीटर हमारा मैन वेस्ट की साइड गया है एंड यहां से फिर वो 8 मीटर नॉर्थ की साइड गया ये आपकी west direction है ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है तो पहले मैन फिफ्टीन मीटर वेस्ट गया है देन एट मीटर नॉर्थ गया है देन क्वेश्चन में आपसे पूछता है हाउ फार इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था नाउ ही इज एट दिस पॉइंट तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा है तो ये आपका क्या बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या करोगे ये आपके पास परपेंडिकुलर बन गया ये आपके पास बेस बन गया एंड यह हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है अगर आप देखो परपेंडिकुलर आपके पास एट है बेस फिफ्टीन है परपेंडिकुलर है 15 है बेस तो आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है क्या आपको कुछ याद आया हमने ऐसा एक ट्रिपलेट भी पढ़ा है जैसे थ्री फोर फाइव एट फिफ्टीन एट फिफ्टीन के साथ आपके पास क्या आता है सेवनटीन तो सीधा सीधा आपका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा सेवनटीन सेंटीमीटर जो हमारा मैन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है सेवनटीन सेंटीमीटर अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद तो आप अपना क्या करोगे सिंपली हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा के अपना हाइपोटेनियस दैट इज मैन का जो डिस्टेंस है वो निकाल लोगे बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आप लर्न करके रखिए ताकि क्वेश्चंस में आप इजीली सॉल्व कर पाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा सी सेवनटीन मीटर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इजी था सिंपल इसमें पाइथागोरस या फिर आप अपने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी लगा के इसे सॉल्व कर सकते थे तो नेक्स्ट देखते हैं थर्टी क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है थर्टी क्वेश्चन आपके पास है वट इज द लेंथ ऑफ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेट्रल ट्राइंगल ऑफ साइड एट सेंटीमीटर आपके पास एक इक्विलेट्रल ट्राइंगल दिया है इक्विल क्या होता है जिसकी सारी साइड्स आपके पास क्या होती हैं क्वल इस पर हमने एक ऑल्टीट्यूड बनाया है आपका आपको, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो सामने वाली साइड को क्या है? करता है altitude, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है की तो ऑल्टीट्यूड हमारा सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कितना आ जाएगा एट साइड है आपकी टोटल तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा फोर फोर सेंटीमीटर आपका पार्ट आ गया अब इस वाले ट्राइंगल में क्या करिए आप ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया ये आपका बेस हो गया ये आपका क्या हो गया प्रिपेंडिकुलर तो आपको क्या करनी है सिंपली पाइथागोरस लगा के अपने प्रिपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल देनी है हाइपोटेनियस हमारे पास एट सेंटीमीटर बेस हमारे पास फोर सेंटीमीटर है आपको प्रिपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो प्रिपेंडिकुलर का स्क्वायर आपके पास क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा एट का स्क्वायर दैट इज सिक्सटी फोर बेस का स्क्वायर है अब 64 16 आपके पास क्या आता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर अगर का स्क्वायर है तो इस को जब आप उधर लेके जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा अंडर रूट फोर्टी एट को आप कैसे लिख सकते हो फोर्टी एट को हम लिख सकते हैं सिक्स इंटू एट सिक्स इंटू एट को आप टू इंटू थ्री एंड टू इंटू टू इंटू टू लिख सकते हो अब इसमें से हम क्या करेंगे इस टू के पेयर को एंड इस टू के पेयर को बाहर निकाल लेते हैं रूट से तो आपके पास क्या आ जाएगा टू इंटू टू रूट थ्री एंड टू इंटू टू रूट थ्री आपके पास क्या हो जाएगा फोर रूट थ्री आपके पास जो प्रिपेंडिकुलर है वो आपके पास क्या आ गया फोर रूट थ्री प्रिपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई फोर रूट थ्री तो आपका इस से, में से इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन सी में आपके पास दिया है फोर रूट थ्री सेंटीमीटर तो प्रिपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फोर रूट थ्री

इन लेटर्स को आपने एक बॉक्स में डाला और आपने एक लेटर उसमें से रैंडमली निकाला तो प्रोबेबिलिटी क्या है जो आपने लेटर निकाला है वो क्या होना चाहिए हमें क्या चाहिए ए चाहिए तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ए ए की की तो A आने प्रोबेबिलिटी कितनी है रामानुजन में कितने ए है वन टू थ्री रामानुजन में कितने ए है थ्री तो नो में से तीन बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्या आ जाए ए लेटर आ जाए तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी टोटल लेटर्स कितने आपके पास नाइन हमें क्या चाहिए ए जो है आपके पास थ्री तो आपके पास इसको कट करो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी वन बाई थ्री वन बाय थ्री आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप लेटेस्ट निकालोगे तो उसमें से आपका ए आ सकता है तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हमारे पास ये है डी तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी जो है वो फाइनल आंसर होगा बहुत ईजी आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या आप किसी भी कीमत पर आए तो आपने छोड़ना नहीं है नेक्स्ट देखते हैं थर्टी क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है एरिया ऑफ सेक्टर अब आपके पास सेक्टर सेक्टर सेगमेंट हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स सेक्टर क्या होता है आपके पास एक जो आर्क होती है एंड दो रेडियस मिला के आपके पास क्या बनाते हैं सेक्टर सेक्टर ये वाला पार्ट आपके पास क्या होता है एंड एक एंगल होता है जिसे हम क्या कह देते हैं थीटा एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल इज वन बाई सिक्स टू एरिया ऑफ सर्कल देन फाइंड डिग्री आपको ये डिग्री निकालनी है कि सेक्टर ने ये वाला एंगल कितना बनाया है अगर आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर वन बाय सिक्स है एरिया ऑफ आपका एरिया ऑफ सर्कल के तो आपके पास जो एंगल है तो एंगल भी आपका क्या हो जाएगा वन बाय सिक्स एरिया वन बाय सिक्स है तो एंगल भी क्या हो जाएगा वन बाय सिक्स तो इस अकॉर्डिंग आपका एंगल कितना थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय सिक्स इज सिक्स डिग्री तो 60 डिग्री आपका जो है वो सेक्टर एंगल बनाएगा तो 60 डिग्री आपका इसका फाइनल आंसर तो बी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा बहुत इजी बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है कि अगर एरिया सेक्टर का आपका 1 by 6 है तो एंगल भी ऑब्वियसली का 1 by 6 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन क्वेश्चन में आपसे कहता है अ वर्टिकल स्टिक एक आपके पास वर्टिकल स्टिक है दैट इज ट्वेंटी मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ कितनी है आपके पास ट्वेंटी मीटर कास्ट एज शेडू अब शेडो आपकी कैसे आती है सन से जो आपकी शेडो बनती है वो आपकी ऐसे आती है इसकी शेडो की लेंथ आपकी कितनी है टेन मीटर लॉन्ग ऑन दी ग्राउंड एट द सेम टाइम कह रहे हैं उसी टाइम पे अगर मान लो ये आपकी एक बजे आपकी ये शेडो बना रहा है तो एक बजे ही आपकी दूसरी शेडो दी हुई आपको किस चीज की एक टावर है आपका एक टावर है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शेडो फिफ्टी मीटर लॉन्ग आपको ये टावर कितनी शेडो बना रहा है कितनी लंबी शेडो बना रहा है पचास मीटर की शेडो बना रहे तो इस टावर की क्या निकालनी है हाइट सिंपल सा आपका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है अगर एक टाइम पे एंगल ऑफ शेडो बनाने का एंगल आपका ये है तो उस टाइम पे किसी भी आप ऑब्जेक्ट को देख लीजिए तो उसकी शेडो भी सेम एंगल पर बनेगी तो इस अकॉर्डिंग आपकी जो हाइट है आपकी स्टिक की और शेडो उसकी जो है एंड टावर की जो हाइट है और जो उसकी शेडो की लेंथ है वो दोनों सेम रेशियो में होंगे वो दोनों क्या होंगे होंगी। तो बस ये आपकी इक्वेशन आ गई इससे आपने एच की वैल्यू निकालनी है तो एच की वैल्यू कैसे निकलेगी टेन कैंसल आउट कर दो दोन से ट्वेंटी हंड्रेड मीटर हाइट ऑफ द टावर आपके पास कितनी आ गई हंड्रेड मीटर बहुत इजी क्वेश्चन था ये सिर्फ आपको एक बेसिक सा कांसेप्ट क्या लग रहा था एक टाइम पे अगर दो चीजें आपकी शेडो बना रही है तो वो प्रोपोर्शनल होंगी उनकी हाइट उनकी शेडो की लेंथ क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आपको दो इक्वेशन दिए इसके आपको क्या निकालने हैं सोल्यूशन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है इसमें आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन के आपके पास थर्टी सेवन एक्स प्लस फोर्टी थ्री वाई इज इक्वल टू वन ट्वेंटी थ्री एंड फोर्टी थ्री एक्स प्लस थर्टी सेवन वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड

y y की वैल्यू पुट पुट कर लीजिए x plus y, x फर्स्ट इक्वेशन देखते को करिए तो यहां से आपके पास क्या है एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन जो डी है वो आपका फाइनल ऑप्शन फाइनल आंसर आपका हो जाएगा जिसमें आपको एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू दिया है सो so, इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे तो इसी के साथ हमने सेक्शन बी जो है अपना मैथ्स के बेसिक सैम्पल पेपर का वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं हम सेक्शन ए भी कर चुके हैं हमारा सिर्फ क्या रह गया है सेक्शन सी जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी में जो आपकी दो केस स्टडीज दी है वो डिस्कस करेंगे एंड उन्हें आप इजीली बहुत इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो सो गाइस आई एम अगेन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इन वीडियोस को इस सीरीज को सैंपल पेपर की सीरीज को आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स